हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। मैं मोहम्मद असगर अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सेमेस्टर 6 के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी हम जानते हैं कि आपका सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, और सेमेस्टर 6 के बारे में टाइम भी बहुत कम है, तो इसको देखते हुए कॉलेज की तरफ से आप लोगों को वीडियो लेक्चर PDF या बहुत सारे नोट्स के थ्रू आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, ताकि आप घर में सेमेस्टर 5 के साथ साथ सेमेस्टर 6 की भी तैयारी करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत हद तक सेमेस्टर 5 के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा सेमेस्टर 6 के लिए। तो सेमेस्टर 5 के साथ साथ आपको सेमेस्टर 6 भी पढ़ना है, लेकिन सेमेस्टर 5 पहले आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि कॉलेज जैसे खुलेगा कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम, उसके बहुत कम टाइम मिलेगा जिसमें आपको सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो सेमेस्टर 6 की तैयारी भी आपको करनी है, इसीलिए कॉलेज की तरफ से हम लोगों को गाइड किया गया है कि आपको बहुत सारे लेक्चर्स दिए जाएँ जिसके थ्रू आप सेमेस्टर 6 की तैयारी आप अपने घर में बैठे बैठे करें। ये मेरा सिलेबस है सेमेस्टर 6 का। आप जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके पास भी सिलेबस होगा, आप वहाँ की यूनिवर्सिटी के साइट में आप जाकर देखिएगा। सेमेस्टर 6 में आपको टोटल 3 पेपर पढ़ना है और एक प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं सेमेस्टर 6 में कि पहला जो है इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव मतलब आपको चूज़ करना है उसमें कौन सा पेपर पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ये भी 100 मार्क्स का है। दूसरा जो पेपर है डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग है, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, उसको नूरुल सबा मैडम पढ़ाएंगे। तीसरा जो पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ये पूरा अकाउंट से रिलेटेड है, जिसको अनवर अली सर पढ़ाएंगे। और जो भी इलेक्टिव पेपर होगा उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल होगा जो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एक और पेपर है, दैट इज़ प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम लोग सेमेस्टर 3 से बोलते आ रहे हैं आप लोगों को कि प्रोजेक्ट की तैयारी कीजिए, किस में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप सेमेस्टर 6 में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, हालांकि सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट हैं जो अपनी तैयारी कर चुके थे बहुत सारे और कुछ कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत सारे लोग बना रहे हैं उसको अच्छे से बनाएं, और इस बीच में कोशिश कीजिए कि आप इसकी तैयारी भी करते रहें। तो ये आपका BCA सेमेस्टर 6 का एक सिलेबस का स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 पेपर होगा, एक प्रैक्टिकल होगा और एक प्रोजेक्ट होगा। ये ओवरऑल सिलेबस है सेमेस्टर 6 का। ये इलेक्टिव पेपर है, जैसा कि हमने बताया कि एक इलेक्टिव पेपर है जिसमें आपको 5 इलेक्टिव पेपर है, जिसमें आपको एक पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, डेटा माइनिंग वेयर हाउसिंग है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, सिस्टम प्रोग्रामिंग है। इसमें लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सीनियर बैच को पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इस बार भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पढ़ाया जाएगा। और ये जो टॉपिक है बहुत हद तक आपको RDBMS DBMS से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। इसमें भी बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये सिलेबस है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, बहुत सारे मॉडल्स में बांटा गया है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग ये एडवांस टेक्निक है, इसका इंट्रोडक्शन है, क्या एडवांटेजेस है, क्या प्रॉब्लम एरियाज है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मॉडल्स 2 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर है, जिसमें DBMS स्टैंडर्डाइजेशन है, आर्किटेक्चर एंड मॉडल्स फॉर DBMS है, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर। आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 3 में DBMS आर्किटेक्चर, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड का भी आर्किटेक्चर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा मॉडल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन है, इसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिज़ाइन स्ट्रेटजीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन इश्यूज है, फ्रेगमेंटेशन है, एलोकेशंस है, ये सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मॉडल 4 क्या है, सेमेंटिक डेटा कंट्रोल, जिसमें वी मैनेजमेंट है, डेटा सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी कंट्रोल्स है,
बहुत सारा सिलेबस को देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा चीज़ आप जानते हैं। मॉड्यूल 5 जो है क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें क्वेरी प्रोसेसिंग पढ़ना है, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्वेरी प्रोसेसर है, लेयर ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग है, क्वेरी डिकम्पोजिशन है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन से, ये सब हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल 6 जो है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंकरेंसी कंट्रोल, ये भी आप लोग बहुत हद तक पढ़े हैं आप सेमेस्टर 3 में। इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज से रिलायबिलिटीज थ्योरी, लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम, टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम, डेडलॉक मैनेजमेंट, ये सब आपको पढ़ना है। लास्ट जो मॉडल्स है रिकवरी एंड रिलायबिलिटी, फेल्यूर्स एंड फॉल्ट टॉलरेंस इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लोकल रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल्स, ये टोटल 7 मॉडल्स है जिसको हमको सेमेस्टर 6 में डिस्कशन करना है। उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल आपको करना है। 3 पेपर में यही एक ऐसा पोर्शन है, ये पेपर है जिसका एक प्रैक्टिकल होगा, जैसा कि हमने बताया कि इसका प्रैक्टिकल ओरेकल में हम लोग करेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेरी है, सब क्वेरी है, ज्वाइन है, कर्सर है एंड ट्रिगर है, ये सब कुछ टर्म्स है जिससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल भी डिस्कशन करेंगे। जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, इस टॉपिक को हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे ताकि आप सेमेस्टर 5 की भी तैयारी कर सकें, सेमेस्टर 6 को भी पढ़ते रहें, ताकि लास्ट में आपको कोई ज़्यादा बर्डन ना आए। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस सभी को समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को बहुत सारे नोट्स वगैरह या वीडियो लेक्चर जो भी है आपको 1 by 1 दिया जाएगा, सभी टीचर देंगे, और आप उसको सीरियसली आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।